अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ब्लिंग बाय सिब्लिंग्स तो आज रात वॉक में चांद बड़ा ही खूबसूरत नज़र आ रहा था जो तो कि पहले दो रोज़ों में क्लाउडी वेदर की वजह से बिल्कुल नजर नहीं आया तो मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ फिर जी हमने की शहरी और मैंने मज़ेदार सा ऑमलेट रेडी किया जिसकी रेसिपी सना का किचन पर आपको अवेलेबल होगी और ये जी शहरी में हमारी आज चीज़ें थी जिसमें मिक्स वेजिटेबल का सालन भी था दही भी थी और ऑमलेट था और जी फिर हमने की शहरी और फजर की नमाज़ के बाद सो गए और दोपहर में थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए फिर बाहर गए और दोपहर में भी मौसम अच्छा होता है थोड़ा क्लाउडी सही हो जाता है वेदर थोड़ी देर के लिए हवा भी चल रही होती है और वॉक करते के दौरान मैंने सोचा कि आज हम बनाएंगे समोसे वो भी घर पे तो उसकी सारी प्रेपरेशन स्टार्ट की हमने आलू के समोसे बनाने थे और आप पट्टियाँ हमने बाज़ार से मंगवा ली थी और ये देखिए जी हमने बड़े ही मज़ेदार से आलू के समोसे रेडी किए और इनकी रेसिपी भी आपको सना के किचन पर मिलेगी और ये जी सारे समोसे रेडी हो गए थे फिर हमने वन बाय वन इनको फ्राई किया और ये देखे जी इनकी फाइनल लुक इतने क्रिस्पी और इतना अच्छा टेस्ट था इन समोसों का बहुत ही मज़ेदार रेडी हुए थे साथ में फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी ये थी जी आज के रफ्तारी की, की मेन चीज़ें और मेनली तो सबको समोसे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और रात के खाने में हमने बनाया था चिकन पुलाव लेकिन मैंने तो उसके दो तीन चम्मच लिए और मैंने रात में रेडी के अपने लिए चीज़ी नूडल्स और इतने कोई टेस्टी नूडल्स थे उनकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दो हम याद रखें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अला हाफ